पोलो मैच देखकर लौट रहे इस लड़के ने वहां खड़े घोड़े की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, जिससे घोड़ा भड़क गया और उसने लड़के को जोरदार लात मार दी। इससे पहले वो लड़का पोलो के मैदान से वापस आता दिखा, लेकिन वहां अपने पिता को एक घोड़े के पास खड़ा देखकर लड़का उनकी तरफ मुड़ गया। इस दौरान लड़के ने घोड़े की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी घोड़ा बिदक गया और उसने लड़के पर पिछले पैर से हमला कर दिया। घोड़े के इस हमले से लड़का जमीन पर गिर गया। सीधे चेहरे पर चोट लगने की वजह से लड़का बेहोश हो गया, जिसके बाद उसके पिता तेजी से वहां पहुंचे और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। लड़के की हालत देखते हुए एम्बुलेंस भी बुला ली गई, हालांकि तब तक उसे होश आ गया। शुक्रवार को भारत एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है जो सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने वाली है, क्योंकि K4 नाम की ये परमाणु मिसाइल समंदर में पानी के अंदर से ही पनडुब्बी के जरिए दुश्मनों पर दागी जा सकेगी। 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली ये परमाणु मिसाइल सेना के लिए काम करने वाली संस्था DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, जिसे परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। K4 परमाणु मिसाइल का टेस्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पानी के अंदर ही किया जाएगा, जिसके लिए एजेंसियों को अलर्ट किया जा चुका है। K4 उन दो अंडरवाटर यानी पानी के अंदर से दागी जाने वाली मिसाइलों में एक है जिसे देश में बनाया गया है। K4 के अलावा पानी के अंदर से इस्तेमाल होने वाली दूसरी मिसाइल BO5 है, जो 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। गाजियाबाद के DM ने पानी की बर्बादी होने पर खुद पर और अपने स्टाफ पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बताया गया कि गाजियाबाद के DM अजय शंकर पांडे जब अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्हें छत पर लगी टंकी से पानी गिरने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि टंकी ओवरफ्लो हो रही है और दफ्तर के किसी भी कर्मचारी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। DM ने पानी की बर्बादी के इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने साथ पूरे स्टाफ पर सामूहिक रूप से 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही DM ने सभी कर्मचारियों को भविष्य में पानी की बर्बादी न करने की चेतावनी दी। बताया गया कि जुर्माने की रकम को पानी बचाने के अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल BJP के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान देते हुए गाय के दूध में सोना होने का दावा किया। गोरु दूध खेले खाली शरीर सुस्थ है पुष्ट है ना सुस्थ है रोग प्रतिषेधक क्षमता पाई हमारे देशी गोरु दूध थे भारतीय गोरु वैशिष्ट हे तार मध्य तार दूधर मध्य सोनार भाग थाके। प्रदूषण का असर लोगों के फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि उनके दिमाग पर भी होता है। कई देशों में हुई अलग अलग रिसर्च ऐसा दावा कर चुकी है। सबसे ताजा रिसर्च अमेरिका के कोलोराडो और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी की है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में बढ़े अपराधों के पीछे प्रदूषण भी एक वजह है। रिसर्च करने वाली टीम ने हवा में PM2.5, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बढ़ने के अलग अलग असर रिपोर्ट में बताए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात रिसर्च के नतीजों में यह है कि हवा जहरीली होते ही अपराध भी बढ़ने लगते हैं, जिसका सीधा कारण यह है कि प्रदूषण की वजह से दिमाग ज्यादा आक्रामक और हिंसक हो जाता है। और यह कोई पहली रिसर्च नहीं है जिसमें अपराध और प्रदूषण के बीच सीधा कनेक्शन बताया गया। इससे पहले भी प्रदूषण बढ़ने पर अपराध बढ़ने का दावा करने वाली कई रिसर्च सामने आ चुकी है, जिनमें एक रिसर्च तो शंघाई की भी है। शंघाई में प्रदूषण बढ़ने का असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में युवाओं को मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ा। लॉस एंजलिस में भी जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो बड़ी संख्या में युवाओं के अपराधों में शामिल होने की घटनाएं सामने आने लगी। और प्रदूषण बढ़ने पर कुछ ऐसा ही असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा चुका है, जब लोग जहरीली हवा में सांस लेने के बाद ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं।